उज्जैन पुलिस ने कानफोड़ू साइलेंसरों की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। पुलिस ने ऐसे करीब 100 साइलेंसर पर रोड रोलर चला के उनका पापड़ बना दिया। उज्जैन पुलिस ने टॉबर चौक पर बड़ी कार्यवाही की है। तेज कर्कश आवाज व पटाखे की आवाज करने वाले करीब 15 लाख रुपए के 100 साइलेंसर पर पुलिस ने रोड रोलर चला दिया है। 15 मिनट में करीब 15 लाख रुपए के साइलेंसर पापड़ बना दिए गए। त्योहारों को देखते हुए उज्जैन पुलिस द्वारा जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने करीब 100 बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक पकड़ी और 2.5 से 3 लाख रुपए की चालानी कार्यवाही की। ये वे वाहन हैं जिसमें तेज आवाज और पटाखे की आवाज वाले साइलेंसर लगे हुए होते हैं। वाहनों से ऐसे साइलेंसर निकाल लिए गए। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, एडिशनल SP नितेश भार्गव, यातायात DSP विक्रम सिंह और दिलीप सिंह परिहार की मौजूदगी में शहर के मध्य स्थित टॉवर चौक पर साइलेंसर रख दिए गए। इन साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाया गया। SP प्रदीप शर्मा ने कहा कि शहर में माता बहने व वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्यवाही की गई है। लोगों से अपील है कि वह अपने वाहनों में तेज आवाज के साइलेंसर ना लगाएं। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं, बहनें, माताएं हैं, उनको परेशानी होती थी ये लोग साइलेंसर लगा के, इससे पटाखे की आवाज़ या ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ वाले और रेसिंग के जो साइलेंसर्स हैं, इनमें से कुछ साइलेंसर्स इंडिविजुअली एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपये का है। ऐसे करीब 100 साइलेंसर्स को अभी ट्रैफिक ने पिछले एक हफ्ते में जब्त किया है। इन सबके विरुद्ध 2.5 से 3 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है और आज इन सभी साइलेंसर्स को पब्लिकली हमारे द्वारा नष्ट किया गया। ये हम सभी को बताना चाहते हैं कि लगवाने वाले और जो दुकानदार हैं जो इस तरह के साइलेंसर्स को लगाते हैं, उन दोनों के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अपनी बॉडी मोटरसाइकिल का जो मेक है उसको चेंज ना करें। हमारे वरिष्ठ नागरिकों का, माताओं बहनों का ध्यान रखें। अगर कहीं भी पाया जाएगा या किसी की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।